ऐसे थोड़ी चलेगा ये भी बंद है वो चल रहा है तो भी एक एक चेयर पीछे होता जा रहा है क्या चक्कर है चला जाएगा थोड़े दिनों में मैं सोच रहा हूं आई बाबा वाले बच्चे यहां आ जाए तू सोच रहा है यहां से आई बाबा चले जाए कैसे चलेगा बाबा जीएसटू सिलेबस याद है थ्री भी याद है कौन सा क्वेश्चन पे थे क्वेश्चन नंबर भी तो होगा नाइन सेवन एट इज डन सिटीजन चार्टर ओके विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर नाइन सिटीजन चार्टर आई डिस्कस्ड आल्सो नो ओके नाइन्थ वन आई गेव द होमवर्क एंड देन आई लेफ्ट राइट टेल मी द कंपोनेट कम्पोनेट ऑफ द क्वेश्चन पैंडेमिक इम्पैक्ट ऑन वेरियस सेक्टर्स डिस्कस दसी ऑफ वेरियस स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट मीन्स पैंडेमिक इन ऑर्डर टू डिस्टेबिलाईज इसका मतलब पैंडेमिकेब इंडियन इकोनॉमी सबसे पहले डिस्टेबिलाईज का इंपैक्ट लिखना पड़ेगा सो पेंडेमिक इम्पैक्ट ऑन वेरियस सेक्टर्स ये हो गया फर्स्ट कंपोनेंट आफ्टर इंट्रोडक्शन एंड देन गवर्नमेंट स्टेप्स एंड एफिकेसी गवर्नमेंट स्टेप्स कैन बी में स्टेप लीड्स टू दिस दिस वाज द स्टेप लीड्स टू दिस ठीक है आत्मनिर्भर भारत आया लिक्विडिटी किया लैंड किया एटसेट्रा फोर एंड ऑल साइडेड एटसेट्रा ऑल कंपोनेंट्स एंड एंड देयर देन फाइनली फर्दर मोर स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड सम चैलेंजेस ठीक है कंपोनेंट। एनीबडी एल्स इंट्रो हाँ। फर्स्ट बिफोर विच टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन विल बी गुड डिस्कस द द्केंड द गवर्नमेंट द पैंडेमिक। दिच टाइप ऑफ इंट्रो इज गुड करंट में क्या टेन नहीं था ट्वेंटी था हाफ क्यों कर रहे हैं फैक्ट ही लिखना है तो फैक्ट वेज एंड रॉन्ग फैक्ट ये भी ठीक है uh, एल्स एनविडिय दिखा सकते हैं ड्यूरिंग कोविड माइनस एट परसेंट ग्रोथ रेट पोस्ट कोविड आफ्टर टेकिंग वेरियस स्टेप सिक्स परसेंट ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनमी इन द वर्ल्ड दैट कैन बी वन ऑफ द आयरनी बेस्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो द इम्पैक्ट ऑफ कोविड एंड द रिकवरी फेज सो ये कर सकते हैं दिस कैन बी देयर एंड एक सेकेंड के शेप वाई इज ए नेगेटिव कनोटेशन ऑफ आवर रिकवरी ऑफ स्टेप्स वहां से क्यों स्टार्ट करना है वी शेप रिकवरी हो सकता है इकोनॉमिक सर्वे टॉक्ट अबाउट वी शेप रिकवरी आफ्टर अ सडन डिक्रीज ऑफ जीडीपी ड्यूरिंग कोविड ठीक है एंड और क्या हो सकता है वट अदर लास्ट सीट से फर्स्ट सीट व कौन सा जम्प क्वांटम जम्प गुड क्वांटम जम्प विद ब्लू स्का थिंकिंग है हाँ yeah, बोलो यार अब हटाओ ब्लैक सॉन्ग को कितना ब्लैक सॉन्ग कराएंगे हो तो क्या फर्स्ट वही तो बोला था आयरनी वेज दैट्स एक्जेक्टली व्हाट आई सेड दैट ड्यूरिंग कोविड डिक्लाइन फाइनली इंक्रीज ठीक है ऑनलाइन वाला बच्चा लोग सॉरी क्यों बताना लोन मोरिटोरियम तो एक छोटा सा ऐसे क्यों इंटर शुरू कर रहा है फिर वही बात मैंने फुल इंट्रोडक्शन क्लास वाज टू इंक्रीज द स्कोप ऑफ इंट्रोडक्शन इंक्रीज द स्कोप ऑफ नॉट टू डू मैं सबसे पहले दिखा था ना एमएसएमई का चैलेंज दिखाते हुए एक एमएसएमई का क्वेश्चन दिखाया था उसमें इंट्रोडक्शन बताया था इट वाज ओनली फोकसिंग ऑन एम एस एम ई राधर होल मैन्यूफेक्चरिंग सेक्टर और द होल सर्विस बट दैट कैंडिडेट हैज नैरोड डाउन दैट इंट्रोडक्शन सेम आप कर रहे हो

सर्विसेज सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ रेट हो गया मैन्युफैक्चरिंग में इतना हो गया ट्रांसपोर्टेशन में इतना हो गया इंटरनेशनल सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया एग्रीकल्चर वाज स्टेबलाइज्ड ओनली फोर परसेंट ग्रोथ रेट सो दैट वाज द इंपैक्ट ऑफ कोविड ऑन इंडियन इकोनॉमी दैट कैन बी रिटर्न उसके बाद वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट नो द क्वेश्चन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट वेरियस स्टेप्स एंड देर एफिकेसी इसका मतलब इंपैक्ट असेसमेंट ऑफ स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट 15 मार्कर है तो कैन बी सेपरेटेड टेन मार्कर है तो इट शुड बी सेम स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट सो दिस इज द स्टेप सॉरी दिस इज द गवर्नमेंट एट एंड ऑल फर्स्ट लिखेंगे एफिकेसी में सब पॉजिटिव ही नहीं होंगे कुछ नेगेटिव भी होंगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म सेक्टर होटल वाला सेक्टर एट सेक्टर ऑल वो सब नेगेटिव इंपैक्ट हो जाएगा उसका ठीक है उसके बाद चैलेंजेस विच वी फेस्ड और द गवर्नमेंट फेस्ड वो भी मैंशन करना है एंड देन फाइनली द वे फॉरवर्ड सो दीज कैन बी समोनेट ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट डिस्टेबलाइजिंग इंपैक्ट ऑफ कोविड ऑन इंडियन इकॉनमी टू स्टैब्लिश द्स टेकन बाई गेंट देर एफिकेन मार्कर है तो मर्ज कर देंगे फिफ्टीन मार्कर है तो सेपरेट रखेंगे चैलेंजेस क्या है एंड तो वे फॉरवर्ड क्या वे फॉरवर्ड है ना बेटा वट मोर टू बी डन वो उसके पॉइंटर्स कहां से निकालेंगे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है पांच छह इंडिकेटर निकाल लेंगे बस वो कम्पोनेट आ जाएगा वहां से नेक्स्ट मेंटल हेल्थ सोचो लिखो लेफ्ट uh, साइड में स्टेप राइट साइड में एफिकेसी हाँ बट उसको उतना नॉलेज है नहीं मतलब तो प्रैक्टिकली वैसा पॉसिबल हो नहीं पाएगा आइडियल है बट हो नहीं पाएगा बिकॉज पहले स्टेप सोचोगे फिर उसका पॉजिटिव नेगेटिव उसके फैक्ट्स ही हैं वो फैक्ट लाने बड़ा मुश्किल है जैसे गवर्नमेंट गिव द लोन आप सोचो कितना लोन दिया कितना नहीं दिया कितना इफेक्टिव हुआ एमएसएमई को कितना नहीं हुआ नॉलेज है तो बेस्ट है इसीलिए बोल दिया ना डैश करके लिख देंगे कैसे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पहले तो स्टेप लिखिएगा हां देखो टेबल तभी बनता है जब दो चीजें कंपेयर करनी है अपने को इसका मतलब फर्स्ट रो शुड बी कंपेयर्ड बिटवीन फर्स्ट कॉलम एंड द सेकंड कॉलम सिंपल लॉजिक है अदरवाइज टेबल बनाने का लॉजिक नहीं है इफ वी आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग ए टेबल दिस फर्स्ट रो नीड्स टू बी कंपेयर्ड बिटवीन दिस एंड दिस जस्ट यहां पॉजिटिव चैलेंजेस पॉजिटिव स्टेप्स और पॉजिटिव इंपैक्ट और यहां नेगेटिव इंपैक्ट के लिए टेबल नहीं बनाते हैं वो लाइन बाय लाइन ही लिखेंगे बिकॉज दिस इज नॉट यू आर कंपेयरिंग इफ यू आर कंपेयरिंग फॉर एग्जाम्पल की परसेंटेज ऑफ क्रेडिट और यहां आप लिख रहे हो कि यार ऑर्गेनाइज में इतना है और अनऑर्गेनाइज में इतना है देन इट मेक सेंस टू मेक अ टेबल अदरवाइज इफ यू आर नॉट कंपेयरिंग द फर्स्ट रो बिटवीन फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम दर इज नो लॉजिक ऑफ मेकिंग टेबल्स सो आर्टिफिशियल टेबल नहीं बनाएंगे हाँ तो वो तो तभी तो कहा था उसमें कि पॉजिटिव यहां दिखा दो वन टू थ्री फोर फाइव और नेगेटिव यहां दिखा दो या आउटस्टैंडिंग चैलेंजेस दिखा देना हो नेगेटिव तो क्या ही होगा गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिया था तो नेगेटिव थोड़ी होगा हाँ आउटस्टैंडिंग चैलेंजेस मोर स्टेप्स नीड्स टू बी टेकन वो आ जाएगा उसमें बट अगेन एज आई टोल्ड यू बेस्ट तो रहेगा स्टेप्स टेकन ये फर्स्ट स्टेप है विच द गवर्नमेंट हैज टेकन लीड्स टू दिस पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ वो डाल देंगे दैट इज द बेस्ट वन मेंटल हेल्थ नहीं नहीं जो एक का पॉजिटिव ही होगा बस फिर तो चैलेंजेस हैं वो तो लिखना ही है अपने को तो 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 दिखा 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 मैं कह रहा हूं हर स्टेप का पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं दिखाना है एक स्टेप का या तो पॉजिटिव ही हुआ होगा या नेगेटिव ही हुआ होगा अदरवाइज तो आउटस्टैंडिंग चैलेंजेस तो दिखाना ही है ना लिखने नीचे गवर्नमेंट स्टेप्स और उसके चैलेंजेस वही तो बताया रीड बिटवीन द लाइन मिस किया गया कुछ मैंने ये बताया तो आउटस्टैंडिंग चैलेंजेस वो तो लिखना ही है अपने को हो गया फिनिश हो कुछ? बोलो क्या है फैक्ट ट्वेंटी परसेंट में ओल्ड एज में कहां से आया डेटा मैंने दिया ना मैंने नहीं दिया ये डेटा ठीक है ये ठीक है डेटा एंड तो वन सेवन लिख दिया तो अब एक ही बात है कुछ भी लिख दो तो फैक्ट बेस्ड देखोगे एंड एनथिंग एल्स क्यों कोविड से क्यों करना है कनेक्ट कोविड का क्वेश्चन थोड़ी है यार तो करंट ही करना है तो एक्ट आया एक्ट लिख दें करंट ही लिखना है तो एक्ट ही लिख देना यार मतलब कोविड से क्यों ही फिर नैरो कर रहे हैं अपन उसको सो नॉट कनेक्ट अपने इंडियन सेलिब्रिटी कहां चले गए सारे कोई होगा ही नहीं किसी ने बोला ही नहीं होगा मेंटल हेल्थ पे है क्या कोई दीपिका पे बोला था क्या और डिप्रेशन पे बोला था डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ थिंक सो शी उसने अपना बोला था मैं उस टाइम डिप्रेशन में थी एटसेट्रा एंड ऑल फाउंडेशन ब्लैक टू व्हाइट करने का तरीका छोड़ो अब तो यहाँ फाउंडेशन <laughs> बनती है हाँ बोलो यार इंट्रो में क्यों डाल रहे हैं ये किसी नन ऑफ द सेवन टाइप्स एंड एट मिसलिनियस कहीं भी नहीं गया so, आयरनी ही हुआ

वन टू थ्री में थिक्स में लिख लो थोड़ा बहुत संस्कृत लिखना होता तो है या ए में ये नहीं चलेगा जीएस में नहीं चलेगा प्यार नहीं वो धोखा है ऐसे थोड़ी चलता है <laughs> प्यार नहीं वो धोखा है कल मेरे एक्स का रोका है ऐसा <laughs> था कुछ कंप्लीट हाँ <laughs> बोलो

ठीक है चलो इंट्रोडक्शन तो हो गया नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट बोलो और क्या होगा इश्यूज ऑफ मेंटल हेल्थ सोशल और प्रिजुडिस तो एक दो ही हुए ना सो अदर इश्यूज आल्सो वी नीड टू मेंशन सो फोर फाइव सिक्स पॉइंट्स लिखेंगे इंक्लूडिंग सोशल स्टीरोटाइप एंड प्रिजुडिस

नहीं डेटा नहीं है तो डेटा लाएंगे मेंटल हेल्थ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है पिछली बार आया था क्या शायद नहीं आया तो आ जाएगा मेंटल हेल्थ एक्सपेक्टेड है फिर ऊपर से दीपिका पादुकोण ने फाउंडेशन स्टार्ट कर दी डिस्कस द रोल ऑफ सोशल प्रिजिस इट इशूज एग्रीवेटिंग मेंटल हेल्थ ऑल अदर इशूज एक्सप्लेनिंग दिस काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन पॉइंट कैन ऑल्सो बी देयर

जी ठीक है बेटा मेंटल हेल्थ में डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन भी हो सकता है एक पार्ट मिस है सेकंड बाकी ठीक है सेकंड पार्ट नीड्स टू तो बी एड टेल यू क्या करना है लिख भाई कुछ तो लिखोगे अब तो अपन स्टेज पे हैं फटाफट फटाफट लिखना चाहिए पॉइंट नहीं आ रे खुद ही खुद ही लिख ले खुद ही वैल्यूएट कर ले ठीक ठीक ही है

नीचे वाले तीनों पॉइंट तो ठीक है ऊपर वाले में गड़बड़ा है पकड़ो बताता हूं एनीबडी एल्स स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इनफॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट रीजन्स फॉर इंक्रीज इन फॉर्मलाइजेशन हाउ इट इज डिट्रीमेंटल येस नो स्टेप स्टेक ठीक एक पार्ट मिसिंग है बस फॉन्ट साइज बढ़ा भाई बड़ा लिखते हो ऐसे फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्यों लिखना इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन लिख देता है ना पॉजिटिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इफेक्ट वो लिख दिया फिर वन ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट दे हैव आस्ट टू इनफॉर्मलाइजेशन बट कुछ तो पॉजिटिव भी किया होगा ना ग्लोबलाइजेशन में सो थ्री फोर पॉइंट रिलेटेड टू पॉजिटिव इंट्रोडक्शन कैन बी आयरनी बेस्ड क्या लिखोगे इंट्रोडक्शन हाँ इंडियन इकोनमी पूछा टेन टाइम्स पढ़ाया तो था दो सौ सत्तर से टू पॉइंट सेवन बट इनिक्वालिटी बढ़ गया या क्वालिटी ऑफ जॉब डिक्रीज हो गया या इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ गया ऐसा कुछ भी आई रन हो सकता है कि इनफॉर्मल लेबर फोर्स हैज इंक्रीज कितना इनफॉर्मल अभी एटी फाइव टू नाइन्टी परसेंट डाल देंगे कि ऑन द वन साइड जी डी पी हेज इंक्रीज टेन टाइम इनफॉर्मलाइजेशन हैज इंक्रीज टू एटी फाइव टू नाइनटी परसेंट दिस कैन बी आई एंड तो तभी तो मैंने भी नहीं बताया मेरे पास भी नहीं है क्या हुआ फॉर्मलाइजेशन नहीं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ सेक्टर हो रहा है एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर इज जिसमें सोशल बेनिफिट सेक्टर मोर देन टेन मोर देन टेन रहते हैं उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी और नॉट फिर ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गनाइज में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेबर फोर्स होता है जैसे स्विगी वाला है एग्रीगेटर्स एंड ऑल दिस को सोशल सिक्योरिटी थोड़ी मिलती है पर डिलीवरी पैसा मिलता है है तो ऑर्गेनाइज सेक्टर बिकॉज मोर देन टन एम्प्लॉयज है इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है एंड दैट वॉज द क्वेश्चन यूपीएससी इन और फिफ्टीन देर हैज बीन इंक्रीज इन इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर डू यू एग्री सब्सेंट ऐसा करके क्वेश्चन आया था तो so, जितनाकॉन बन रहा है उससे कुछ कुछ क्रिटिसिजम इज दैट इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ ऑर्गेइज सेक्टर इज टेकिंग प्लेस उसमें थोड़ी सोशल बेनिफिट मिलता है इसीलिए नया लेबर कोड लेके आए ना उसके पार्ट के लिए बट उनको सोशल सिक्योरिटी कुछ नहीं मिलता है इनफॉर्मल so में काउंट हो रहा हूं एनीवेज कहां थे हम पॉजिटिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड नेगेटिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन उसके बाद उसके बाद वो तो इन जनरल हो गए जनरल पॉजिटिव एंड जनरल ऑफ़ ग्लोबलाइजेशन हो गया फिर देन ग्लोबलाइजेशन लेड टू रिडक्शन इन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का पूछा है रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर फिर इज इंक्रीज इन फॉर्मलाइजेशन डेट्रीमेंटल सो लिखेंगे ये yes, डेट्रीमेंटल फिर लिखेंगे नहीं तो लिखेंगे कि रीजन बताओ नेगेटिव ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन क्या नो सोशल सिक्योरिटी एंड सॉरी इरेगुलर इनकम लीड्स टू लैक ऑफ क्रेडिट टैक्सेस लो सेविंग एंड वो स्किल में डाल देंगे ना थर्ड पॉइंट बना देंगे नो कंपनी स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक स्किल सेट विच लीड्स टू लेस ग्रोथ लेस कॉर्पोरेट ग्रोथ पोटेंशियल एंड और क्या होता है hmm? हायर एंड फायर तो अपने आप में गलत थोड़ी है इजी हायर एंड फायर हाँ लेस जॉब सिक्योरिटी वो हुआ सॉरी सॉरी हा लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्किल डेवलपमेंट एंड और क्या होता है इन फॉर्मलाइजेशन के नेगेटिव पॉलिसी फॉर्मलाइजेशन इज डिफिकल्ट वी कैन से गवर्नमेंट इनिशियटिव आर डिफिकल्ट टू टारगेट इंटेंडेड बेनिफिशरीज वो डिफिकल्ट होगा काउंट नहीं कर पाएंगे तो कैसे होगा ठीक है विषय साइकिल बन जाएगा मेंटल हेल्थ भी डाल देगा ऑर्गेनाइज में भी है यार कहाँ नहीं वहाँ ज्यादा है ऑर्गेनाइज में कहाँ स्ट्रेस नहीं है सब आई टी वाले एमजी नरेगा सॉफ्टवेयर बेस्ड एमजी रहेगा आई वर्क फॉर टू ईयर्स आई नो टैक्स कलेक्शन लेस होगा रेवेन्यू बेस खेल लेतेमलाइजेशन का नेगेटिव है formal, less formalization of economy. थी। फिर वही कैश चाइन जपान में कितना कैश टू जीडीपी रेशी हो तुम सब तो पढ़े लेखे बच्चे हो ना ऐसे पॉइंट तुमसे आएंगे कैसे चलेगा ट्वेंटी परसेंट है इंडिया बारह परसेंट है तो क्या वो इनफॉर्मल है क्या ऐसा नहीं होता तुम भी मोदी जी की तरह डिमोनेटाइजेशन जस्टिफाई के में कुछ भी करोगे ऐसा थोड़ी होगा नाउ टेल मी द पॉजिटिव्स ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन ये तो हो गया ये तो सब लिखेंगे क्वेश्चन भी पूछा है इज इनफॉर्मलाइजेशन डिट्रिमेंटल टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री सो यू आर गोइंग टू से यस एंड देन यू आर गोइंग टू से नो आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दोस पॉइंट्स ऑफ नो किसका है हां हायर एम्प्लॉयमेंट टू और हाई

सुना so, होगा ना पीपल टू जॉब और जॉब टू पीपल पीपल टू जॉब मीन्स दे आर फोर्स माइग्रेट टू अर्बन एरियाज अर्बन सिटीज जॉब्स विच आर इन अर्बन हैं जॉब टू पीपल एंड ऑल द इनफॉर्मल सेक्टर एटसेक्टर टेक्सटाइल इन ऑल एग्जाम्पल ऑफ पीपल टू जॉब उल्टा बोल दिया भावनाएं समझो यार ठीक है जॉब टू पीपल एंड पीपल टू जॉब ठीक है एंड इजेशन भी बनेगा विचार, लेस कंप्लायस कॉस्ट आएगा फिर लेस इन्वेस्टमेंट आएगा सो दे आर मोर एडोप्टिव टू न्यू टेक्नोलॉजीज भी आएगा क्वीकर ग्रोथ आएगा ग्रास रूट एंट्रप्रनरशिप विदाउट एनी ग्रास ठीक है ठीक <laughs> है ये हो गया फिनिश एंड द गवर्नमेंट इनिशियटिव भी तो लगे कुछ हो गया फिनिश ये सही है छह में से तीन दो बिटवीन द लाइन ही है Globalization or whatever definition which you want to give we can give then mention the positives of globalization for economy and employment both then we can show the contrast negatives of this particular thing on employment, then mention other factors leading to informalization ah, follow what in Indian economy leads to informalization agriculture based economy hai. So, वैसे ही सेवेंटी परसेंट हिमाचल चला गया एंड रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल है वो सारे इश्यूज हैं विच फोर्सेस टू गो फॉर इनफॉर्मल एंड लेस अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर फोर्स है एंड mm, और क्या टेक्नोलॉजी क्या वापस से बताओ मजा नहीं आया Lack of access. तो फिर वो तो लैंड लेबर कैपिटल कुछ रिलेवेंट पॉइंट बताओ प्रॉफिट प्रॉफिट बेस्ड प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन तो वैसे ही प्रॉफिट ही है मतलब कैपिटल इंटेंसिव जॉब्स है जॉब कहांसर्विसेज सेक्टर लीड टू जॉबलेस ग्रोथ एंड ऑल वो भी एक रीजन हो सकता है pandemic, हो गया सेकेंड बताया था तो कोविड से बाहर निकल गया दुनिया में बहुत कुछ है ट्रस्ट मी लॉट ऑफ गुड थिंग्स में आर हैपनिंग फिर फिर नैरो दो साल में क्यों अटका भाई क्वेश्चन में पूछा है क्या सिर्फ पेंडेमिक सिर्फ ये सिर्फ वो नहीं पूछा सो so क्यों इतना नैरो पॉइंट्स में जा रहे हैं वो तो कभी भी लिख देगा नेक्स्ट एल्स समझ में आ रहा है बोलो फिर ऐसा कुछ बोलना टू वे कम्युनिकेशन यू ऑल्सो टेल मी

I got it. What you are trying to say is that technology is uh, the pace of technology is so fast that now some of them are not able to get that skill. Plus, the new technology based jobs like gig economy, 3D, 3D, industrial 4.0, etc., and all, which also enhances informalization in general. That can be the point. So हाँ, मतलब वो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन इकोनॉमी इज टेकिंग प्लेस विच इज क्रिएटिंग लेस नंबर ऑफ फॉर्मल जॉब्स दैट कैन ऑल्सो भी वन ऑफ द रीजन एंड लैक ऑफ एग्जिट प्रॉब्लम कैन ऑल्सो भी द रीजन अपन ने पढ़ा था ना कि चक्रव्यू चैलेंज है मिलिटरी इश्यूज बताया तो था अपन ने गवर्नमेंट लेबर लॉज बताई देंगे इन जनरल दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन यू नो व्हाट इज द टोटल लेबर फोर्स ऑफ इंडिया पचास करोड़ और लेबर लॉज जो बनाते हैं एंड एंड ऑल ऑल थिंग लेबर कोड्स कितने पे एप्लीकेबल है सिक्स सेवन करोड़ खुद ही तो बोला एट्टी फाइव परसेंट इनफॉर्मल है तो कितने पे होगा? करोड़ जितना गेम हो रहा है सब पांच छह करोड़ के लिए हो रहा है बस बाकी सब पे तो रूल लगना ही नहीं है गवर्नमेंट वॉन्ट टू इंक्रीज द नेट ऑफ लेबर लॉज सो देस लॉज मोर इंक्लूसिव इंक्लूडिंग एवरीथिंग विच क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑफ मोर दिस मोर लीड्स टू

Next, next, next. पेन वापस जाना यू टू टू रिटर्न इट बैक मी यार व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया हाउ कैन द इनकम ऑफ फार्मर्स भी सब्सटेंशियली इंक्रीज बाय फूड प्रोसेसिंग इंट्रो डबलिंग फार्मर्स इनकम नो नॉट अ गुड इंट्रो फूड प्रोसेसिंग सप्लाई चेन बना सकते हैं चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज इनकम कैन बी बाय दिस अदर स्टेप्स, ठीक है, सही है सही जा रहे हो एनबडी एल्स इंट्रो डेटा ऑन फूड वेस्ट ठीक है विच कैन शो द पोटेंशियल ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर चैलेंजेस हैं अपॉर्चुनिटीज हैं बाकी क्या है सबसे ऊपर कुछ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कुछ लिखाएंगे डैश कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंक्रीज कैसे लिखोगे इसको

हाँ हाँ सपोर्टिंग मेजर्स अदर मेजर्स विच आर रिक्वायर्ड दैट कैन बी देर बल्कि वो ज्यादा बेटर है 92,000 करोड़ फूड वेस्ट एवरी ईयर फूड कंट्रीब्यूट्स फूड प्रोसेसिंग कंट्रीब्यूट्स वन थर्ड ऑफ फूड मार्केट इतना है क्या फूड प्रोसेसिंग वन थर्ड ऑफ फूड मार्केट कैसे होगा इतना तो प्रोसेस करता ही नहीं अपन फिर कहां से आता होगा तो ये तो वन थर्ड है ना वन थर्ड फूड मार्क कैसे आता होगा मतलब तो फॉरगेट अबाउट एक बुक ने लिख दिया होगा या मैंने ही लिख दिया होगा बट हाउ तो, तो, तो मिल्क भी तो कितना ही होगा मतलब आई डोंट नो अबाउट द फैक्ट वी हैव टू गूगल इट बट आई एम जस्ट यूजिंग माई कॉमन सेंस की फूड प्रोसेसिंग होगा आई डाउट हाँ तो यारेल्यू लिखाना फिर तो होगा यार हाँ रॉ मेटेरियल का वैल्यू वैसे बहुत कम होता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू हो सकता है सो यू है लिखना भी इसका Food processing is another sunrise sector in the economy, which also the key to doubling farmers' income, making India hub of processed food. Somehow we can connect this food processing with the farmers' income. But aur introduction we have sakta Fact based food wastage and farmers' income well part, which can also show potential and all these things. That can be one type of introduction. Second,

सप्लाई चेन कह रहे हो हाँ बना भी सकते हैं बट ठीक है सनराइज है टू परसेंट प्रोसेस हो रहा है नेसेंट स्टेज पे है ठीक ऑफ एफ ऑफ एफपीएस इन इंडिया पोटेंशियल चैलेंजेस पोटेंशियल में क्या लिखोगे ये सेकंड पार्ट तो भूल गया बेटा हाउ कैन इट इंक्रीज फार्मर्स इनकम वो तो नहीं लिखा तो गवर्नमेंट मेजर्स तो अलग हैं पहले बताना पड़ेगा हाउ इट कैन इंक्रीज फूड वेस्ट को डिक्रीज कर देगा कॉम्परेटिव बनाएगा सप्लाई चेन से कनेक्ट करेगा एक्सपोर्ट होगा फिर आएंगे उसमें गवर्नमेंट स्टेप्स क्या लिखे गए इंट्रो ट्वेंटी फाइव परसेंट ठीक 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 है चैलेंजेस आया अपॉर्चुनिटीज आया ये बहुत सारे स्टेप्स में डिवाइड कर दिए डिवाइडेड इट इन टू मेनी स्टेप्स अगेन आई टोल्ड यू ना इट शुड नॉट बी मोर देन फाइव एट एनी कॉस्ट अदरवाइज इट इज अ प्रॉब्लम कि सर आप तो सेवन कर रहे हो मेरे को तो सब बताना है ना फर्स्ट वी कैन हैव फैक्ट्स अबाउट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया दैट कैन बी टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन एज वेल देन द अपॉर्चुनिटीज आर ऑफर्ड बाय द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर दैट इज डबलिंग फार्मर्स इनकम कनेक्टिंग सप्लाई चेन बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस एमएसएमईज का बैकबोन है ई कॉमर्स को कैटर करता है आत्मनिर्भर कृषि आत्मनिर्भर किसान एक्सेट्रा देन द फर्स्ट पार्ट चैलेंजेस देन द अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल कैन बी देयर

आधा नंबर बढ़ाना है बस वही है अब फूड प्रोसेसिंग में कितना कंटेंट लिख देगा बता नहीं, नहीं मेरे इसको तो छोड़ दो हाउ कैन फूड प्रोसेसिंग कैन इंक्रीज फार्मर्स इनकम पॉइंट्स बताओ क्या क्या होंगे विल डिस्कस नॉट ओनली यू बट डिस्कस करो बोलो कितना होगा पांच छह पॉइंट पांच छह नहीं बोला पॉइंट बाय पॉइंट चलना है अपने को यू हैव टू इन्यूमरेट पॉइंट अब बोलो इंक्लूसिव ग्रोथ करता है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है वैल्यू एडिशन करता है सो मोर इम्यूनरेटिव होगा डिक्रीज फूड वेस्टेज लीड्स टू वट डिक्रीज फूड वेस्टेज लीड्स टू डिक्रीज कार्बन फुटप्रिंट लीड्स टू डिक्रीज क्लाइमेट चेंज एंड कनेक्ट कर रहा है ना सो प्रोवाइडिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस एंड प्लस कनेक्टिंग इट टू ग्लोबल सप्लाई चेन एंड मोर चॉइस सो फार्मर्स ऑल्सो एंड एग्रीकल्चर ऑल्सो मोर स्कोप मोर डाइवर्सिफिकेशन मोर स्कोप मोर डाइवर्सिफिकेशन मोर स्कोप लीड्स टू लेसप्टेबल टू वेरिएबिलिटी इन इनकम मोर डिजास्टर रेजिलियट एक स्टेप ऊपर लेके जाते हैं ना पॉइंट्स के बाद में नेक्स्ट और क्या होगा मौसम तो वैसे पावड़ावड़ का हो रहा है ठीक है एग्रीप्रनर्स बनाएंगे ठीक है मोर हाँ, बनेगा तो उसी में डाल दो मोर एग्रीप्रनर्स लीड्स टू मोर क्रेडिट अवेलेबिलिटी के थीम से ही पॉइंट निकाल रहे हो सब, कोई बात नहीं चलो लास्ट क्वेश्चन है ये नहीं है तुम्हारे पास दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाले थे पुराना आएगा क्वेश्चन यूपीएससी का आएगा रिफॉर्मेटिव स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मेक मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मोर इफेक्टिव एंड रेमिनरेटिव ब्रिंग आउट द चैलेंजेस ओके टेल मी द कंपोनेंट्स दो क्वेश्चन ऐसे दिस एंड दिस लास्ट आई शुड आई हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ लास्ट बोलो भाई चैलेंजेस इन मार्केटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम ओके व्हाट विल बी द इंट्रोडक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम इंट्रो ठीक है दैट कैन आल्सो बी देयर एंड अभी तो बोला कहाँ नींद में है सबके सब क्या मौसम ही ऐसा चल रहा है या क्या चल रहा है ऐसे चाय वाय पिलानी चाहिए तुमको ना क्या यस सर कोविड टाइम में ना चाय पीना मना है पता तेरे को सीरियसली ट्रेवलिंग फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली। एक तो चंडीगढ़ से दिल्ली की कभी फ्लाइट नहीं लेनी चाहिए सेल्फ सर्विस इंडियन आई आयास दैम की यार पानी पिला दो सर सेल्फ सर्विस है एक तो छोटा सा तो प्लेन होता है वो हार्डली फोर्टी है नॉल इज अलाउड उसमें भी सेल्फ सर्विस ड्यूरिंग कोविड देन आई सर्विस सर कोविड चल रहा है मैंने कहा ट्रांसमिशन के चांसेस ज़्यादा हैं इफ लॉट ऑफ पीपल विल गो सो कोविड चल रहा है अभी चाय वाई नहीं होगा एनीवेज इंट्रो फर्स्ट पार्ट 25 टू 30 ओनली एंड सेकंड अमंग्स द टॉप प्रोड्यूसर्स मे बी टॉप टू और टॉप थ्री एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बट नॉट इन टॉप टेन फॉर एक्सपोर्ट्स नेक्स्ट और क्या होगा वट अदर काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन आज लो इन एनर्जी में बैठे हो सबके साथ स्पीक अलाउड ठीक है ला दिखा दिखा आई नो योअर हेल्थ इज नॉट गुड

भावनाएं है तो मेरी भी अच्छी आराम से सोच के बोलो मुझे कोई जल्दी नहीं है बोलो इसीलिए पहले लिख लेना चाहिए ना इसीलिए रिटर्न पेपर लेता है यूपीएससी अभी लिख को कैसे भूल जाएगा रिटर्न है वो क्या जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है बेटा ठीक है यार फर्स्ट इंट्रोडक्शन विल बी देयर चैलेंजेस इन मार्केटिंग चला जा जाएगा देन द रिफॉर्मेटिव स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड अदर सपोर्टिंग स्टेप्स सिर्फ मार्केटिंग तो जाएगा नहीं और भी इश्यूज चल रहे हैं प्रोक्योरमेंट में इशू चल रहा होगा डिस्ट्रीब्यूशन में इशू चल रहा होगा सो दिस कैन ऑल्सो बी द सपोर्टिंग स्टेप्स एंड देन द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द इम्प्लीमेंटेशन एंड वट मोर स्टेप्स आर रिक्वायर्ड कैन बी द वे फॉरवर्ड ये वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन में क्या डिफरेंस होता है

कीवर्ड्स बेस्ड ठीक है सो दैट कैन बी यूजिंग कीवर्ड टू गिव समरी ऑफ व्हाट यू हैव रिटर्न दैट कैन बी द कंक्लूजन समझ गए इन थ्री फोर फाइव सिक्स क्वेश्चन कंक्लूजन की हैडिंग नहीं देना है यू विल हैवर्ड एज वेल एज कंक्लूजन इन फाइव सिक्स क्वेश्चन विल हैव ओनली वे फॉरवर्ड इन फाइव सिक्स क्वेश्चन विल हैव ओनली कंक्लूजन ठीक है फॉरवर्ड में ही डाल देंगे ना एक पॉइंट एंड वे फॉरवर्ड कैन भी पॉइंट वाइज कंक्लूजन यूजली इज नॉट पॉइंट वाइज हैल्टीपल इन नॉट है बोला तो अभी आउट ऑफ ट्वेंटी क्वेश्चन एट क्वेश्चन In 6 7 questions, we will have only way forward. In 6 7 questions, will have only conclusion component. But in those questions in which we are writing way forward only, we can use keywords in one of the points. Way forward, single point. Nahi likhna hai. Way forward, so 3, 4, 5 points. Likhna hai likhna hai usme. Single point, way forward. Nahi conclusion will be single paragraph. Okay? Suggestive measures is way forward only.

मार्केटिंग में फर्दर क्या कर सकते हैं दिलवाई कमेटी शांता कुमार एडसेक्ट्रा इंटरनेशनल सप्लाई चेन से कनेक्ट करो सम इकोनॉमिक सर्वे का पोर्शन एडसेक्ट्रा न्यू अमेंडमेंट जो एक्ट्स में आया है किसी को कॉन्कोट लिस्ट में लाना है एआरसी रिकमेंडेशन डाल दिया सो ऑल दीज विल बी दास्ट नहीं वो सब में जरूरत होता ही नहीं है बिकॉज अगर पूछ लिया सजेस्टिव मेजर्स क्या है तो वहां पे तो वे फॉर्वर्ड आई गया मतलब सजेस्टिव मेजर एंड वे फॉरवर्ड वाला कंपोनेंट आ गया जब तू रियल टाइम एग्जाम में बैठेगा तो उतना टाइम बैठेगा ही नहीं तो अगर तू वे फॉरवर्ड पे लिख रहा है और कंक्लूजन बिकॉज आई नो सो जब सेवनटींथ में पहुंचेगा तो फिर कहेगा हो गया काम खत्म सो so, वो मुझे सब कुछ टू मी एवरी इज मार्क्स उसके अलावा ज्ञान नॉलेज वॉलेज सब बकवास इतने नॉलेजेबल बच्चे फेल हो जाते हैं और बिना नॉलेज वाले बच्चे आई बन जाते हैं और ये बहुत सारा हो रहा है मतलब दैट नंबर इज नॉट सो लेस सो वी हैव टू बी प्रैक्टिकली इन आवर अप्रोच मार्केटिंग के कहा है मार्केटिंग तो बीच का स्टेज है ना जब प्रक्योर सप्लाई चेन में पहले प्रक्योर होता है फिर स्टोर होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है एट सेक्टर एनॉल फिर कहीं जाके मार्केट होता है फिर कंज्यूम होता है सो so मार्केटिंग तो बीच का ही है ना ये वाले स्टेप्स भी तो लिख सकते हैं ना सपोर्टिव स्टेप्स कल ही तो बताया था द डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है बिकॉज प्रोक्योरमेंट में प्रॉब्लम है सो सेम टेल मी द कंपोनेंट्स एंड द आंसर्स दिस कैन बी द वे दोल्ड होके फिनिश बोलो भाई इंट्रोडक्शन विच टाइप ऑफ इंट्रो फिर सब में फैक्ट जा रहे हो यार नहीं। आई डोंट नीड अ फैक्ट बेस बहुत फैक्ट बताया मैंने। जैसे कि। हम्म। कैन बी देयर कंपेरिंग इंडिपेंडेंस अब तक एंड फोर्टी फाइव है शायद ओके एंड वाटर सरप्लस कहा है यार स्ट्रेस्ड है पंद्रह सो कल ही तो बताया था कुछ भी फैक्ट चल रहा है पाकिस्तान जैसे अंदर ले आते हैं अपने यहीं करके नो नॉट अ गुड इंट्रोडक्शन ड्यू टू पार्टीशन कैनाल सिस्टम हैज बीन डिवाइडेड नो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स डाल सकते हैं वेरियस चैलेंजेस एसोसिएटेड विद दिस सो वो वो दैट इज परसेंट ऑफ द रेनफॉल इन हार्डली 15 डेज लीड्स टू वाटर लॉस And which demanded interlinking of rivers recently, so that can be current affairs-based introduction. And uh, agriculture. Uh, lot of people are dependent in agri on agriculture in India. However, majority of its land depend on monsoon. Yes, Majority of majority of Indian citizens, or we can say Indians, are dependent upon agriculture. बट मेजोरिटी ऑफ द लैंड इज डिपेंडेंट अपॉन मानसून और द अवेलेबिलिटी ऑफ इरीगेशन लाइक दैट कैन बी देर ठीक है इन जनरली एग्रीकल्चर रेनफॉल हो गया ना अब चाहे रेनफेड हो चाहे नॉन रेनफेड हो इरीगेटेड में भी तो रेनफॉल का सिग्निफिकेंस है ही ना बोलो यार हाँ पक्का ऐसे कॉन्फिडेंटली यस बोलेगा तो थोड़ी होगा कितना परसेंट है ट्यूबवेल का भाई फिर 60 60 नहीं है लास्ट 30 इयर्स में 90% जो इरिगेशन इंक्रीज हुआ है वो भी ट्यूबवेल से ही है सो इधर वी हैव टू मेक आवर फैक्ट्स करेक्ट मेरा सिंपल लॉजिक है मुझे पता होता है तो इवैल्यूएटर का मुझसे ज्यादा आता है सो इफ आई एम सेइंग इट इज रॉंग इट मींस उसके लिए तो 100% रॉंग है hmm. क्यों लिखना है? लिख सकते हैं बट ठीक है कैन बी देयर वन ऑफ द टाइप ऑफ कोट बेस्ड एंड एनीबडी एल्स लास्ट सही है ना बिकॉज द इंट्रोडक्शन और द क्वेश्चन इज डिमांडिंग इरीगेशन एंड इट्स सो इट इज देयर 80 परसेंट करेगा और रील्ड है नहीं मतलब अभी तक का सबसे ठीक इंट्रोडक्शन लग रहा है मुझे बिकॉज द क्वेश्चन इज एसोसिएटेड विद कवरेज तो बढ़ रहा है बट एफिशियंसी डिक्रीज हो रहा है या एफिशियंसी है नहीं इरीगेशन का सो इट कैन बी देयर टू फैक्ट्स कौन बोला अन इगेटेड है बिहार यही ठीक है इरिगेशन का सिग्निफिकेंस का क्वेश्चन थोड़ी है बेटा एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन का क्वेश्चन है एफिशिएंसी so शो करेंगे ना अपन? कितना वेस्टेज है नेट हाँ नेट नेट वाटर एक्सपोर्टर कंट्री हो सकता है एंट्रो oh, हो गया नेक्स्ट बोलो कंपोनेंट्स मैं ही बता देता हूं इंट्रोडक्शन दिया वट आर वेरियस चैलेंजेस एसोसिएटेड इंक्रीजिंग कवरेज अब इंक्रीज करना है कवरेज तो इसका मतलब कुछ प्रेजेंटली होगा तो स्टेटस डाल देंगे ट्यूबवेल से कितना है साउथ में कितना है नॉर्थ में कितना है एक मैप बना सकते हैं कहाँ ट्यूबवेल है एक्सेट्रा एंड ऑल दिस थिंग्स ये क्या कहाँ से आ गया तो भूल जाओ इसको यार भूल जाओ <laughs> कुछ भी चल रहा है गलत कॉपी पेस्ट हो गया प्रॉब्लम ये है कि ये मैंने खुद किया था लास्ट टू क्वेश्चंस आई ओनली एडेड छोड़ो इसको चलो मैंने ही किया था खुद ही बता देंगे सो फर्स्ट वी हैव द प्रेजेंट स्टेटस चल रहा होगा ऑफ विद चैलेंजेस बताओ क्या क्या होंगे स्टेप्स टेकन एंड स्टेप्स में इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस चार कंपोनेंट हो गए

एंड नेक्स्ट चैलेंजेस हो गया फिर स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन एनहांसिंग एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन इसमें क्या होगा दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं सेंटर का अलग है स्टेट का अलग है दैट तो मिनिमम वी नो सेंटर हैज डन पर ड्रॉप मोर क्रॉप यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सरोवर एक्सेट्रा फिर स्टेट्स में इलेक्ट्रिसिटी का आ जाएगा एंड ऑल करके सेपरेशन ऑफ फीडर लाइन फॉर दिस 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 वो स्टेट का हो जाएगा एंड देन स्टेप्स के इंप्लीमेंटेशन में भी चैलेंजेस हैं दैट शुड ऑल्सो भी देयर इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस एंड द वे फॉरवर्ड में कौन था मिहिर शाह कमेटी वाला गवर्नमेंट आप कह रहे हो वो, वो तो वे फॉरवर्ड में डालना ही डालना है वे फॉरवर्ड इज फर्दर स्टेप्स ओनली उसके बीच में चैलेंजेस लिखना है नहीं वो बात है बस उसके लिए बट मुझे मेरे हिसाब से चैलेंजेस लिखने चाहिए खत्म हो गया चलो फिर हैंड आउट निकालो हैंड आउट थ्री नीचे हैंड आउट नंबर टू चलो देखो इफ टेक नेक्स्ट थर्टी मिनट्स डिस्कशन विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट ठीक है वेदर दे आर आस्किंग अबाउट डिस्कस कमेंट एग्जामिन एनालाइज इन्यूमरेट डू यू एग्री वाई हाउ एट सेक्ट्रा जो भी आता है एट्टी परसेंट ऑफ आवर आंसर विल बी सेम वट एवर दे आर गोइंग टू आस्क एग्जाम हॉल में सिर्फ पांच परसेंट का ही डिफरेंस आएगा ओनली फाइव परसेंट वी आर टॉकउटी का है एंड इफ यू आर एबल टू स्कोर हंड्रेड मार्क्स तो पांच ही नंबर का ऊपर नीचे होगा बाई यूटिलाइजिंग द नेक्स्ट ट्वेंटी थर्टी मिनट की क्लास और फोकसिंग मोर टूवर्ड्स इट सो पहले सारा बता दूंगा टोटल क्या होता है कमेंट क्या है डिस्कस क्या है एग्जाम इन क्या है एनालाइज क्या एटसेट्रा फिर तीन और चार फाइनल कंक्लूजन निकाल लेंगे कि मोमेंट आई विल मोर आई विल क्रिएट मोर पार्ट एंड सब पार्ट इन सच टाइप ऑफ द स्टेटमेंट अदरवाइज आई विल फोकसलेस दैट विल बी द फाइनल कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट थर्टी मिनट एडवांस में बता रहा हूं लेट स्टार्ट फ्रॉम द फर्ट कंटेक्सट ऑफ द टेल पॉइंट प्रॉब्लम ये है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रीचिंग अ लेवल ऑफ 450, 460, 440, 80, 90 मार्क्स एटसेट्रा देन एवरीथिंग मैटर्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 360, 370 तो छोड़ भी दो कुछ फर्क नहीं पड़ता उसमें एग्जामिन में इन्यूमिरेट लिख दो एनालाइज लिख दो डजेंट मेक एनी सेंस बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट फोर थर्टी एंड ऑल दिस थिंग्स देन ऑल दिस टेल वर्ड्स इट मैटर्स बिकॉज देर टू बी अ रीजनिंग वाई यू पी एग्जामिन दिस एंड सेगजामेट दिस कुछ तो रीजन होगा ना उसका द क्वेश्चन पेपर इज प्रपेर्ड बाय ऑलमोस्ट रिटायर्ड प्रोफेसर अब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे तुम्हें पता ही हाउ मैनी so, पता है ना एकदम ब्यूरोसी उनकी अलग ब्यूरोसी चलती है इट अ सेपरेट ब्यूरोसीवल में डिस्कस लिखा है तो डिस्कस होना चाहिए कमेंट लिखा है तो कमेंट होना चाहिए नहीं तो वो बुरा मान जाता है प्रॉब्लम वो है सो एट्टी परसेंट सेम रखेंगे ट्वेंटी परसेंट डिफरेंस रखेंगे कोशिश करेंगे हाउ हाउ मच वी आर एबल टू टू रीच दैट पहुंच गए तो अपना काम हो जाएगा ठीक है सो दिस इज वट सिग्निफिकेंस ऑफ द टेल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन दैट इज कमेंट और क्रिटिकली कमेंट एनी वेयर यू आर रीडिंग क्रिटिकली मतलब बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव डाल देंगे उसमें तो इश्यू नहीं है बट द होल क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू द कमेंट वाला कंपोनेंट कॉमन सेंस से रिलेट करता हूं र गोइंग थ्रू अ रोड कुछ दिखा उस पर कमेंट कर दिया बट दैट इज यूअर ओपिनियन सम्बडी एल्स माइट बी कमेंटिंग समथिंग एल्स सो कॉमन सेंस इज कमेंट इज ए मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स यू ऑर ओपिनियन एंड यू आर थिंकिंग अबाउट दैट इश्यू सो कमेंट तो सिंपल है एंड इफ इट इज यूर ओपिनियन सो यू हैव टू सबस्टेंशियट इट विद फैक्ट्स एंड फिगर्स अदरवाइज गड़बड़ है सो फैक्ट्स फिगर्स तो सब में ही डालना है बट हेयर यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू मी एंड ऑल दिस थिंग्स वो कुछ कुछ कंपोनेट आप हाँ? कर सकते हो दो काइंड ऑफ वर्ड यू कैन यूज कमेंट रेफर्स टू यूर व्यू यूर ओपिनियन योर पोजिशन ऑन द टॉपिक फैक्ट्स विद्स इन फेवर ऑफ क्रिटिकल कमेंट में चल जाता है सो इंट्रोडक्शन हो गया इन द मेन बॉडी राइट यूर व्यूज ऑन दैट पर्टिकुलर इश्यू इट कैन बी फोर और इट कैन बी अगेंस्ट जैसे एक आया होगा ना सेविंग्स रेट इज द मोस्ट वन सो इफ दे है कमेंट यू कैन टेक अ स्टैंड किया सेविंग्स रेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन

Introduction cannot be balanced. You have to take a stand. Let's start from this particular question. Handout, handout, mila hai aapko. That the Interstate Council, envisaged as an essential structure in building the center state corporation, is deadened and gently requires recalibration and rejuvenation. Comment. So, first, before seeing the answer, let's divide the question. पहले उस पर चलते हैं जो अपना मेजर है प्रीवियस क्वेश्चन एक्सरसाइज ओनली इंट्रो में क्या आना चाहिए कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे And then I will tell you, because comment लिखा है तो कितने पार्ट्स ठीक है और कितने पार्ट्स पार्ट गटबड़े थर्टी दिस क्वेश्चन इंटू वेरियस पार्ट्स

Then we will have a class after 10 days related to discussing more templates and the conclusion, wala apart, maybe around 15th or 16th. Till that time, you should have points because if I'm telling you, you have to use Staple. So, I need points from you. Staple, I So, you have to be content ready in the next 10 days to come up with that. So, whatever hai purana hai existing, hai, etc., and all, revise those things so that we can have a participation in the class. Otherwise, again, it will be one sided only. Bolo, kya hai components? फर्स्ट इंट्रोडक्शन कैन बी हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कैन बी देयर, लाइक करंट अफेयर्स क्या 2016 हजार सोलह में सत्रह मीटिंग हुआ था उससे क्या हुआ यू नो वेन वॉज द लास्ट मीटिंग ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल उससे पहले कब हुआ 20 साल में तीन बार हुआ है क्या ही करंट लिखेंगे उसमें एन इवेंट ब्लैक स्पोन इवेंट लिख दो इसको एनी बडी एल्स व्हाट एल्स कैन बी द इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आ गया सीधा प्लस कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स आ गया प्लस और क्या हो सकता है सरकारी कमेटी ने क्या बोला था वो तो वे फॉरवर्ड में लिखेंगे ना यार इंट्रोडक्शन में कहा लिख रहे हैं सरकारी रिकमेंडेड दिस एंड वही तो, वे में, बनाओ, तो, तो वे है क्या होना चाहिए वो तो अदर भी अदर प्रोविजंस भी तो है सेंटर स्टेट के बीच में ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन से स्टार्ट कर सकते हैं और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस या हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशन किसी कमेंट से स्टार्ट कर देना सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल किसी ने तो बोला ही होगा आई हाँ, किसी ने तो बोला ही होगा एनी ऑफ दस्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ आई एस सी इनस्टेट कॉर्पोर आफ्टर दैट यू कैन मैं माइक्रोडाइग्राम इन विच वी कैन राइट अदर स्ट्रक्चर फॉर बिल्डिंग सेंटर स्टेट कॉपरेशन। आई एस सी अलोन इज नॉट देयर वो बिटवीन द लाइन्स हो गया उसके बाद तो इन जनरल लिखना ही है सिग्निफिकेंस ऑफ आई एस सी बट बिफोर सिग्निफिकेंस ऑफ आई एस सी

जुडिशरी भी हो सकता है इन इन जनरल सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल फर्स्ट राइट है उसका so, ठीक <laughs> है सो जुडिशरी कैन ऑल्सो भी देयर एंड और क्या कॉपरेशन का ईडी सीबीआई क्या डी कॉपरेशन के पॉइंट मोहम्मद मत डालना राज्यसभा भी हो सकता है राज्यसभा होगा सेंटर स्टेट कॉपरेशन का पॉइंट एंड नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल अभी चल रहा है क्या नई सी है और न इंटीग्रेशन है नेशन में <laughs> फेल हो गया दोनों एनीथिंग एल्स और कुछ है अरे मैं की फैकल्टी थोड़ी हूं यार तुम लोग बताओगे सेंट्रल स्टेट कॉपरेशन ऑल इंडिया सर्विस बोलो याद ऑल इंडिया सर्विस ठीक ठीक है फिनिश हुआ देन वी आर गोइंग टू मेंशन हाउ आईएससी इज सिग्निफिकेंस एज एन एसेंशियल स्ट्रक्चर Then some various challenges which are restricting the effective functioning, and then some recommendation, etc. and all these things, and finally the way forward. So they are more interested towards your opinion in this challenges that restrict the functioning of this, your opinion, along with various examples, facts, committee recommendations, and all. And then suggest measures to rejuvenate the interstate council. But you have to take a stand. Mm -hmm. दोनों पहले ही जस्ट आफ्टर इंट्रोडक्शन विल सी जस्ट आफ्टर इंट्रोडक्शन विल राइट अदर अदर इंस्टीट्यूशन टू सपोर्ट स्टेट कॉर्पोरेशन उसमें इंटरस्टेट काउंसिल एक होगा उसको अंडरलाइन कर देना और उसके बाद आएंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल बोलो यार यार पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का जरूरत बैठेगा नहीं इसमें मतलब बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट का क्वेश्चन नहीं है इंस्टीट्यूशन फॉर कॉपरेशन भी एक्स्ट्रा ही डाल रहे हैं हम सो दिल्फ विल बी बिगर इनफ एक्चुअली सो कॉन्फ्लिक्ट मतलब पूछा भी नहीं है अगर आई एस सी इज डेड एंड इट अर्जेंटली रिक्वायर्स रिकलिबरेशन रिजर्वेशन एग्जैक्टली दे आर मोर इंटरेस्टेड सो वो बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा टू फार फेस्ट बिटवीन द लाइन्स हो गया वो अकॉर्डिंग टू मी अगेन लास्ट पॉइंट वाई इट इज डेड एंड वाई इट रिक्वायर्स रिविजन तो यही तो कमेंट है दे आर मोर इंटरेस्टेड इन टू यू तो तुम्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हाउ इट इज डेड मतलब यू आर टेकिंग अ स्टैंड इट इज डेड राइट एम एज्यूमिंग इट सो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा सो यह सब ऊपर नीचे वाले पॉइंट आर लेस बट यू नीड टू गिव मोर फोकस टुवर्ड्स दैट वाई इट इज डेड एंड वाई इट रिक्वायर्स मोर मोर वाला कंपोनेट या चैलेंजेस इन एफेक्टिव फंक्शनिंग चैलेंजेस इट सेल्फ इज सेट इज डेड दट इज वाई इट इज डेड ना सो उसमें मेजर फोकस करना है आपको नहीं तो फोकस ऊपर वाले पे भी एक्स्ट्रा हो सकता था फोकस सेकेंड पार्ट पे भी एक्स्ट्रा हो सकता था वाई यू हैव टू गिव मेजर फोकस टू वर्ड मैंशन वेरियस चैलेंजेस डेट रेस्ट्रिक्ट टू इट टेन मार्क क्वेश्चन है अलोकेट करना पड़ेगा ना एक पेज इसको देना है सेवेंटी परसेंट ऑफ द पेज देना है सिक्सटी परसेंट ऑफ द पेज एनालाइज पढ़ाऊंगा यहां अगर लिखा होता तो कंपोनेट ज्यादा हो जाते हैं डिविजन वाला जो पार्ट है then it makes more effective conflict points क्या क्या है सो डिविजन ऑफ पॉइंट शुड बी मोर इन केस ऑफ एनालाइज पे वो अलग है वहां जाएगा तो आधी क्लास और कंफ्यूज होगी कि क्या करना है। लास्ट में लास्ट में वो उसी में रखेंगे कि टेम्पलेट जनरेशन कैसे करना है सेम क्वेश्चन पे लगा देंगे तुम्हें शायद होमवर्क मिला है या नहीं मिला <coughs> मिला है क्या क्वेश्चन का नहीं इट ऑल डिपेंड्स जैसे सेविंग्स रेट वाला मैंने बताया मर्जी आपकी हाँ तो यहां अगर इफेक्टिव फंक्शनिंग जैसे सोलह के बाद हुआ नहीं बट वेरियस अचीवमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट काउंसिल अगर जस्टिफाई कर सकते हो तो लिख देंगे फिर क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं है बट कमेंट तो इसी क्वेश्चन के लिए नहीं बना ना कमेंट तो जनरल है स्टैंड इन केस ऑफ कमेंट आपका स्टैंड फाइनल है वट एवर यूर ओपिनियन इज यस मतलब इट इज डेड एंड नीड्स इफेक्टिव फंक्शनिंग कहीं तो लिखेगा तो तेरी ओपिनियन हो गई मतलब उसमें ये लिखना है ये नहीं लिखना इन माई ओपिनियन इट वो छोड़ दें

दो पेजेस मिला के सेवेंटी ही करना है बस अगेन टेलिंग यू इफ इफ वी विल गो टू मच कमेंट आया तो इतना ही लिखना है तो गड़बड़ होगा पांच परसेंट के लिए ही नेक्स्ट थर्टी मिनट्स से बताया था उतना एम्फेसिस दोगे तो कंटेंट भूल के इसी पे खेलते रहेंगे अपन सो so, एक बार पढ़ लेते हैं फिर वापस आ जाएंगे सब ज्ञान है रे कंफ्यूज हैं दीज गाइज आर कन्फ्यूज बिटवीन कमेंट एंड ऑल एनी वेज नेक्स्ट आता डिस्कस और क्रिटिकली डिस्कस तो डिस्कस एंड डिबेट इज सेम सो वैन यू डिबेट अबाउट समथिंग यू मैं बोथ साइड्स हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है एंड देन फाइनली कंक्लूड करते हो एनी एनी डिबेटर्स इन द क्लास अभी तो नहीं लिखते डेफ में लिखते हो सब डिबेट कंपटीशन बना बना के कॉलेज में स्कूल में ये भी सही एनी वेज सो इट रिक्वायर्स अ डिबेट कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स एंड पर्सपेक्टिव ब्रॉड ब्रॉड कवरेज रखना है उसमें ठीक है स्कोप ऑफ आवर आंसर शुड बी मोर इन केस ऑफ डिस्कस इन डिबेट डिबेट में माइक्रो पॉइंट्स में थोड़ी ज्यादा फोकस मेजरली अपॉन मेन मेन डायमेंशन क्या चल रहे हैं सो यहां पर स्कोप मैटर करता है वी विल नॉट गो नैरो पॉइंट बट वी विल ट्राई टू कवर मोर एंड मोर डाइमेंशन इन केस ऑफ डिस्कस देन वी हैव बोथ पॉजिटिव नेगेटिव करना है स्ट्रेंथ वीकनेस करना है एटसेट्रा एंड फाइनलील कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन क्वेश्चन पे आते हैं Yes 30 seconds tell me the components क्रिटिकली डिस्कस में दोनों को पैरलि पार्ट में रखना पड़ेगा मतलब ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल पॉइंट्स रखने पड़ेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस यू विल फाइंड विद द डिस्कस सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के आता है Okay, finish. Bolo. Uh, introduction with the definition of regionalism. Mm hmm And then uh, some positives are being like regionalism and then challenges are around due to regionalism and how it threatens unity and activity and then steps taken to reduce regionalism and then way forward. Not to reduce neutralism, but to reduce the negative impact of regionalism. Anyways, regionalism is not a positive concept or a negative concept. It's a neutral concept having two different types. So it can be positive, it can be negative. One virulent type of regionalism, and one more type of uh, regionalism is there. So there are two types of regionalism actually. Anyways, we'll start from the introduction. Regionalism wala part. So we can define, or we can also mention the types of regionalism or features of regionalism. And what it means in the context of India. So this can be the introduction. So, Jesse uh, ki. Like in uh, in but but common sa introduction. I so, mean irony show hua nahi. और दो साल पहले हुआ था अभी हुआ? इंट्रो वाले पार्ट थी। में नहीं नहीं मतलब तो जरूरी नहीं है वो तो सेकंड पार्ट में आना ही आना है अभी बोला ना इसने वो टू स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट के थे नागालैंड एंड मेघालय ना और मिजोरम नागालैंड ना एंड नागालैंड ना एंड मिजोरम इंट्रो फीचर्स आते ही है ना ठीक है नेक्स्ट क्या होगा रीजनलिज्म इन इंडिया हैज फ्यूल्ड प्रॉब्लम ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी देयर बाय थ्रेटनिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री सो मेंशन द चैलेंजेस ऑफ नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ड्यू टू वेरियस रीजनल मूवमेंट्स वेरोलैंड मिलिटेंट रीजनलिज्म एटसेट्रा टेंडेंसीज सेपरेटिज्म सन ऑफ रीजनलिजम वोट बैंक पॉलिटिक्स एटसेट्रा एंड ऑल ये सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू लिंक हाउ इट इंपैक्ट्स इंटरनल सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी के डायमेंशन तो अपने को पता है चीपर जी आई एफ पढ़ा था मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री वाले से वहां से पॉइंट्स निकालते हुए रीजनलिज्म हाउ इट इज अफेक्टिंग इंडिविजुअल इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस सो दिस विल बी द मेजर पार्ट दैट रीजनलिज्म इन इंडिया हैज फ्यूल्ड द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ आवर आंसर बट अगेन देयर आर सम पॉजिटिव्स ऑफ रीजनलिज्म एज़ वेल कुछ तो होगा ना जैसे कि लिखा इसमें कल्चरल डाइवर्सिटी लेके आता है रिचेज कल्चर डाइवर्सिटी सब रीजनल डेवलपमेंट होता है सो इट क्रिएट्स मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट देन सेंस ऑफ प्राइड आता है इट प्रमोट कोलोबरेटिव फेडरलिज्म ऑल्सो सो देर आर सम समिटिव ऑफ फेडरलिज्म वेल नेक्स्ट आएगा द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू डिक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ फेडरलिज्म और नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ फेडरलिज्म क्या क्या है सॉरी भावना ही समझो यार गवर्नमेंट हैजिस गवर्नमेंट हैजेक लॉट ऑफ स्टेप टू डिक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ रीजनलिज्म कब से नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल पर चल रहा है तू नीदर नेशनल नॉर इंटीग्रेशन सब बंद है फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल बनाया रिओर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स बनाया ऑन लैंग्वेज बेसिस न्यू स्टेट बनाया झारखंड एंड ऑल दिस थिंग छत्तीसगढ़ एक्सेक्ट्रा एंड वट मोर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाया गुड एंड बाकी वो सब बनाया ना नीति वीति जी काउंसिल काउंसिल एटसेट्रा वो सब बना एंड टीम इंडिया अप्रोच बताया एंड सॉरी इनर लाइन परमिट से रीजनलिज्म का इंपैक्ट कम हो रहा है कि बढ़ रहा है बढ़ रहा है ना यार वो रेस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहा है एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पहले था अब तो है नहीं अब तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ही बंद हो गया नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट काउंसिल हो सकता है समझ गए स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू डिक्रीज द इंपैक्ट नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ रीजनलिज्म देन कंक्लूड कर देंगे अगेन

मतलब वाई वो तो तुझे डिसाइड करना है ना क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव भी तो होगा 50 50 डिस्कश में 50 50 रखना तो तो हाँ लिख सकते हैं अदर देन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी क्या क्या होगा सारा इंटरनल सिक्योरिटी वाले डाल देंगे मिलिट्री नॉन मिलिट्री एटसेट्रा वो वैसे ही डाल दिया था चैलेंजेस वाले में यहां से आ जाएगा ठीक है एनीवेज ये मत पूछ ये। कमेंट में स्टैंड लेना बेटा सो so, उसका नेगेटिव स्टैंड ले लिया उसने सो so, नेगेटिव ज्यादा कर कर दिया पोज़िव पोज़िव कम कर दिया पॉजिटिव कम बस इतने अंदर में जाओगे कि अगर क्या होता तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा इसीलिए बता रहा हूं मैं तो बता दूंगा तो क्योंकि सर ने बताया तो लिख भी लोग हैं एग्जाम में सब भूल जाएगा so, इसलिए मोटा मोटी तीन या चार पॉइंट याद रखेंगे बस दैट विल बी द फाइनल थिंग एग्जाम इन क्या दोनों पॉजिटिव नेगेटिव सेम ही बताने हैं बस उस वाले क्वेश्चन में नेगेटिव में ज्यादा नहीं आएगा बैलेंस ही रखना है उसके लिए एग्जामिन एंड क्रिटिकली एग्जामिन देखो ये डिवीजन ऑफ पॉइंट्स एनालाइज विल हैव मैक्सिमम डिवीजन ऑफ पॉइंट्स एग्जामिन में उससे कम डिवीजन ऑफ पॉइंट्स मतलब sub sub सब हेडिंग सब पार्ट्स और डिस्कस में सबसे कम डिवीजन ऑफ पार्ट्स एंड सब पार्ट्स लिख लोगे

भाई इंट्रोडक्शन नो इंट्रोडक्शन हाँ बोलो ठीक है कैन बी करंट अफेयर्स वी कैन रिलेटेड टू कोविड ड्यूरिंग कोविड देर वॉज अ मेजर लॉकडाउन विच इंक्रीज द डिमांड ऑफ वर्क फ्रॉम होम कल्चर विच हैज ट्राइड टू रीशेप द एग्जिस्टिंग कल्चरल बिलीव एंड नॉम्स अबाउट द वर्क प्लेस वो हो सकता है या फिर कुछ आई टी वाइटी कंपनी बेस्ड फॉर नेक्स्ट थ्री अलाउड वर्क फ्रॉम होम मतलब जस्ट इंटर जो उन्होंने बताया वो तो एक्सप्लेन कर सिक्सटी सेवेंटी परसेंट एंड ऑल वो वाले कंपोनेंट्स में एक्सप्लेनेशन बेस्ड कह सकते हैं so तो... क्यों करना है क्यों नीदरलैंड में क्यों जाना है स्पेसिफिक कंट्री में क्यों जा रहे हैं हम वर्क hmm. कल्चर क्या डिफाइन करोगे क्या है डेफिनेशन तुम गुरुजी थोड़ी हो हम हैं। मैं बोल सकता हूं यू कैन डिफाइन वर्क कल्चर बट इफ यू आर गिविंग मी अ सजेशन हैव टू डिफाइन बोलो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क कल्चर उसने तो वर्क कल्चर बोला फिर मैं पूछूंगा ट्रेडिशनल वर्क कल्चर क्या है और वर्क फ्रॉम होम कल्चर गए क्वेश्चन तो उन दोनों है ना सो डेफिनेशन बेस्ड तो नहीं चलेगा यार मतलब प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं चल नहीं सकता Recently, in, uh, uh, किसने बोला Sir, वो तो ठीक है बोला किसने है तो समझ गया मैं आई नो <laughs> डोंट टच दता है बोला किसने सोर्स लिखना पड़ेगा ना इंट्रोडक्शन में अपने मन का थोड़ी लिख देंगे वो तो वे फॉरवर्ड है यहां वाले में नहीं है यहां तो सोर्स लिखना पड़ेगा सो नहीं चलेगा। वो तो नहीं चला एनी वेज ठीक है दो तीन इंट्रोडक्शन में से डालेंगे नेक्स्ट बोला फर्स्ट पॉइंट क्या होगा मतलब इफ दे आर टॉकिंग अबाउट इट इज रिशेपिंग अवर कल्चरल बिलीफ एंड नॉर्म्स अबाउट द वर्क प्लेस सो देर हैज टू बी सम ट्रेडिशनल ना जिसको रिशेप कर रहा है ओल्ड न्यू so, क्यों है ओल्ड न्यू में क्यों जा रहे हो तो बोला ना सब हेडिंग्स के पॉइंट्स क्वेश्चन से ही निकाल रहे हैं प्रॉसकॉन्स पूछा है तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखना प्रॉसकॉन ही लिखना है बस वी हैव टू मेक थिंग सिंपल फॉर द दुटर सो एग्जिस्टिंग कल्चरल बिलीव्स एंड नॉर्म्स अबाउट वर्क वो लिख देंगे क्या क्या है कुछ कुछ पॉइंटर्स दिए इसमें ठीक है इसके लिए ट्रेवलिंग टू फिजिकल वर्क प्लेस वर्क ऑफ गेटिंग रेडी फॉर वर्क नाइन टू फाइव ऑफिसम पर्सनल इंटरेक्शन टीम लर्निंग टीम आउटिंग वीकेंड बेस्ड कल्चर एक्सेट्रा वो सब है ट्रेडिशनल मॉडल्स ऑफ वर्किंग एट वर्क प्लेस वाला पार्ट देन वी हैल्सो मेन्शन गिव नेक्स्ट इट कम्स की यस वर्क फ्रॉम होम इज गोइंग टू रीशेप द Traditional cultural wala part. Then we also have to mention it cannot completely reshape. Ye read between the lines gaya. Yes it is reshaping. No it cannot reshape. Also in between we can also mention other reasons for reshaping the cultural beliefs and norms. Work from home is not only the reason or the cause of reshaping the cultural beliefs and norms. बाकी क्या क्या है जैसे गिग इकोनोमी है न्यू टेक्नोलॉजी है दीज आर द अदर रीजन बिकॉज ऑफ विच रीशेपिंग द कल्चरल बिलीव एंड नॉम्स इज टेकिंग प्लेस सो पहले तो वर्क फ्रॉम होम इज द रीजन वी कैन ऑल्सो राइट अदर रीजन फॉर रीशेपिंग द कल्चरल बिलीव एंड नॉम्स अबाउट द वर्क प्लेस टू थ्री पॉइंट वहां से निकाल सकते हैं ओनली टू थ्री पॉइंट यू विल बी एबल टू फाइंड मोर ग्लोबलाइज वाला पार्ट आ सकता है मोर कनेक्टेड वर्ल्ड वाला पार्ट आ सकता है इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन वाला पार्ट आ सकता है कनेक्टेड वर्ल्ड एंड इंटरनेट पेनीट्रेशन दीज आर सर्टेन पॉइंट विच आर द रीजन फॉर रीशेपिंग द कल्चरल बिलीव एंड नॉम्स अदर देन दर्क फ्रॉम होम कल्चर ये तो रीड बिटवीन द लाइन है बेटा इट कैन नॉट कंप्लीटली यूजली नहीं होगा रीड बिटवीन द लाइंस तीन या चार पॉइंट के ही होते हैं बस नो 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 वाई ओनली इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू सर्विसेज़ सेक्टर वाई नॉट इंडस्ट्रीज अब इंडस्ट्री भी तो है नहीं अब मुझे ये कुछ बनाना है कंपोनेंट अगर घर पे बन जाएगा तो घर पे बना लेंगे लेस कैपिटल जहां भी लगेगा वो तो बनी सकता है मतलब इट्स नॉट स्पेसिफिक टू सेक्टर इट कैन बी स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स में डिविजन एमपी ah, में वैसे ही बहुत चल रहा है ठीक है देन गिव इट पॉइंट दिस इज वट आई वॉन्टेड टू मेंशन एक्स्ट्रा एंड देन सिंस दिस क्वेश्चन मेरली आस्ट टू एग्जामिन मोस्ट शुड बी ऑन हाउ वर्क फ्रॉम होम इज रीशेपिंग द कल्चरल बिलीफ वो वाला पार्ट ओके फिनिश कर देंगे एंड देन हाइब्रिड मॉडल इज द फ्यूचर और ब्लेंडेड मॉडल इज द फ्यूचर देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिप्लॉयमेंट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग कोविड नाइनटीन हैज डेमोन्स्ट्रेटेड द वैल्यू ऑफ सच टेक्नोलॉजी इन द पब्लिक हेल्थ सेक्टर वो एनालाइज में डालेंगे एग्जामिन में इतना स्प्लिट इतना डिवीजन इज नॉट वेरी गुड इस क्वेश्चन में बोल रहा हूं पुराना क्रिटिकली एनालाइज था क्या अच्छा ठीक है फिर पॉजिटिव नेगेटिव्स लिख सकता है आई थॉक इट वॉज ओनली नॉर्मल एग्जामिन नहीं फीचर तो फीचर है उसको पॉजिटिव कैसे लिखेंगे उसके अलावा पॉजिटिव लिखना है तो इसीलिए आई गॉट कंफ्यूज क्रिटिकली एग्जामिन मेरे में नहीं है मेरे हैंड आउट्स में सिर्फ एग्जामिन है पॉजिटिव uh, में या चैलेंजेस में हाँ हाँ लिख सकते हैं ना चैलेंजेस तो जितने मतलब कंटेंट में नहीं जा रहा हूं मैं अभी कंटेंट में तो कितना भी डायमेंशन लिख सकते हैं कि उसके क्या होंगे सोशल तो कंपोनेंट हमेशा ही रहता है इन माई हैंडआउट्स इट इज ओनली एग्जामिन शायद क्रिटिकली एक्स्ट्रा एड हुआ होगा बोलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन डिप्लॉयमेंट ऑफ इमरजिंग टेक्नोलॉजी डूरिंग कोविड नाइन दैर सच टेक्नोलॉजी पल्लिक्ल सेक्टर ट्रिकलिक्जाम फर्स्ट इंट्रोक्शन क्या लिखेंगे इतने नाराज से बैठोगे तो कैसे चलेगा पढ़ना तो पड़ेगा कहां जाओगे बच के सॉरी चैलेंज इंट्रोडक्शन में तो इंटरव्यू पूछ रहा हूं मैं तो क्या ही था एआई आरोग्य सेतु में क्यों लिखना है इंट्रो में नॉन हेल्थ में क्वेश्चन ही हेल्थ और कोविड का है तो हेल्थ और कोविड लिखेंगे हेल्थ कोविड टेक्नोलॉजी मर्ज करो लिखो बट क्वेश्चन तो टेक्नोलॉजीज़ का है ना सो समथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी शुड बी देयर वैक्सीन रिलेटेड ला सकते हैं इसमें वैक्सीन का कुछ कुछ कंपोनेंट डाल सकते हैं इस. ठीक है नेक्स्ट एनीथिंग एल्स वर्चुअल मीटिंग डाल सकते हैं विच समहाउ बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्रेशर और डिक्रीज इन पर्सन मीटिंग द वर्चुअल मीटिंग्स और वर्चुअल कंसल्टेशन वर्चुअल ओपीडी हेल्प इंडियन हेल्थ सेक्टर वो हो सकता सकते हैं कहा चला था ऑक्सीजन एंड ऑल पॉजिटिव सा रखते हैं थोड़ा एनीथिंग एल्स ऐसे चलोगे तो बस लास्ट क्वेश्चन है मजाक थोड़ी कर रहा हूं 10 बोलो लास्ट क्वेश्चन है डिप्लॉयमेंट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द कोविड पेंडेमिकेमोस्ट्रेट द वैल्यू ऑफ सच टेक्नोलॉजी डाल कनेक्शन बिटवीन कोविड नाइनटीन एंड

देन विल ग्लो दी विल राइट द पॉइंट आउट दूस एसोसिएटेड विद एडोप ऑफ टेक्नोलॉजी सो इशूज क्या क्या हो सकते हैं like हेल्थ से रिलेटेड बोलो बस इन जनरल मत बोलो मतलब कनेक्टेड ऑफकोर्स रीजन आर दे आर बट कनेक्टेड विद हेल्थ ओनली एक्सेस टू डिजिटल कनेक्टिविटी स्पेशली इन रूरल एरियाज ऐसा करके बोलो ना पॉइंट ठीक है तुम्हारे बट कनेक्टेड टू द हेल्थ सेक्टर एंड ठीक है लैक और लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्सवी वर्क फोर्स हेल्थ वर्क फोर्स उसका क्या है वो भी इशू है नहीं नहीं क्वेश्चन कैपिटल इंटेंसिव भी कह सकते हैं लेस स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट वो भी कह सकते हैं रेजिस्टेंस टू अडॉप्शन आल्सो सॉरी हाँ हो गया लेट हो गया तो हाँ हेल्थ स्टैक का जो नेगेटिव था हेल्थ स्टैक सुना था हाँ तो हेल्थ स्टैक के नेगेटिव्स प्राइवेसी वाला इशू कैन बी शेयर्ड विद द प्राइवेट सेक्टर एंड ऑल वो सारे कंपोनेंट्स आ सकते हैं इसमें ठीक है देन वी कैन राइट द वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए इफ यू हैव टू इंक्रीज अदर पॉइंट और क्या लिख सकते हो रीड बिटवीन द लाइन एक तो अपन ने हेल्थ के चैलेंजेस लिख दिए थे वो रीड बिटवीन द लाइन था फिर कोविड का इंपैक्ट भी तो रीड बिटवीन द लाइन हो सकता है द इंपैक्ट ऑफ कोविड ऑन अदर सेक्टर्स क्या क्या आया पॉजिटिव रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी ओनली बट दे आर फोकसिंग अपॉन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन हेल्थ सेक्टर वी कैन ऑल्सो मैंशन हाउ कोविड इम्पैक्टेड टेक्नोलॉजिकली टू अदर सेक्टर्स लाइक ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ एप और थ्रू एप्लीकेशन ऑनलाइन डिलीवरी आया और क्या आया वर्क फ्रॉम होम आया सर्विस बेस्ड आया ऑनलाइन एजुकेशन आया ई एजुकेशन एंड और क्या आया वो पहले से है ई के वाई सी आरे नहीं हुआ मत पूछ अगेन इतने मोटे साइन कराते हैं मुझे समझ नहीं आता कहाँ डिजिटल इंडिया हो रहा है एक नया अकाउंट ओपन करना है इतने पेजेस पे साइन करना पड़ता है और वो भी रियल हर बार बैठा के वो भी नहीं कि मैं स्टेम्प बना दूसरा जुडिशरी ईज ऑफ गेटिंग जस्टिस एंड ऑल्सो आजकल जजेस तो दूसरे विकास दिव्यागृति बने हुए हैं यूट्यूब पे एकदम कुछ ही मजे ले रहे हैं एंड <laughs> अरे वो आंध्र प्रदेश में बहुत पहले से है ई पार्लियामेंट एंड ऑल पुराना पहले एनथिंग एल्स एग्रीकल्चरल मतलब टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन इन ऑल द सेक्टर्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल वो सब आ गए समझा नहीं वापस बताओ ठीक है हाँ लिमिटेशन रहा हाँ तो वही लिखेंगे ना कि लिमिटेड द दर्शरी एरिया नॉट द केयर एंड द केयर दैट कैन बी देयर वो लिख ही सकते हो या मुझे बंद करना डिस्कशन वो क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन चेंज हो गया यू गाइज आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन माई क्लास और आई स्टॉप इट एयर ओनली चाय भी नहीं पिलाऊंगा मैं <laughs> बोलो चलो लास्ट है एनालाइज वाला पार्ट यार इन केस ऑफ एनालाइज एक ही चीज याद रखो विल डिवाइडेड इन टू फोर फाइव सिक्स जितना पॉसिबल है जिंदगी में डिवाइड कर लेना उसको सेपरेशन किसी में केस स्टडी डाल दो साइड बॉक्स में डाल दो एक्सेट्रा जितना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे एनालाइज विल लुक गुड

स्वच्छ भारत मिशन स्टेटमेंट ट्राइंग टू कनेक्ट टू डिफरेंट थिंग ग्रुप इन जनरल हाउ इट अफेक्टेड द रूरल इकोनॉमी एटसेट्रा एंड देनली विल से क्वेश्चन में लिखना वैसे ही बिकॉज समझ तो कुछ आ नहीं रहा है इट इज लाइक

एंड देन सब मर्ज कर मर्ज में फिर कॉमन सेंस चला लेंगे अपन कैसे चलाएंगे बताता हूं इंट्रोडक्शन स्वच्छ भारत मिशन डाल दिया या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड इट्स कंपोनेंट डाल दिए ओडीएफ डाल दिए अभी मोदी जी ने बोला कि कितने ओडीएफ के डिस्ट्रिक्ट हो गए फोर फिफ्टी या 500 हंड्रेड ओडीएफ डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं हमारे पास और 10 करोड़ हाउस होल्ड हो गए समथिंग लाइक दैट वन ऑफ द फैक्ट विच ही सो दैट कैन बी द इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देन यू टू डिवाइड द कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स इंक्लूड वुमेन और रूरल प्लस एंड सेकेंड सेक्टर एंड ऑल द रोल ऑफ वुमेन एंड विसर्स इन द स्वच्छ भारत मिशन क्या लिखोगे क्या बोला होगा सोचो स्वच्छ भारत में वुमेन का क्या करना है एक तो लीडरशिप दे दिया होगा होगा ना फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया होगा और क्या दिया होगा टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का काम दे दिया होगा सो झारखंड में बनाया है टेन लाख उन्होंने एटसेट्रा एंड ऑन वो हो सकता है और क्या होगा कंटेंट तो में मत जाओ कंटेंट नहीं मिलेगा गूगल भी करोगे तब भी नहीं मिलेगा क्योंकि स्पेसिफिकली कुछ दिया ही नहीं होगा ऐसा थोड़ी होगा वुमेन स्पेसिफिक इज रिस्पॉन्सिबल टू दिस वे टू जनरेट पॉइंट उससे वुमेन का क्या लेना उस उस उसमें रोल ऑफ वुमेन क्या है मैं तो पूछ रहा हूं वट इज द रोल विच इज प्लेड बाई वुमेन इन स्वच्छ भारत मिशन दो तीन तो बता दिए मोर अवेयरनेस के लिए या दे आर रिस्पॉन्सिबल अवेयरनेस कैंपेन्स के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल गेटिंग बेनिफिट ऑल्सो स्वच्छाग्रहीज बोला ना वुमेन इज रिस्पॉन्सिबल हा स्वच्छाग्रही बोला दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एनी अदर पॉइंट अगेन शायद क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हो क्वेश्चन स्वच्छ भारत मिशन से वुमेन को क्या बेनिफिट हुआ इंप्लीमेंट स्वच्छ भारत इज द रोल ऑफ वुमेन मतलब हाउ वुमेन है क्वेश्चन भी तो वही है फर्दर स्ट्रेंथन द रोलन इन स्वच्छ भारत मिशन ऑफ वुमेन इन स्वच्छ भारत मिशन वो तो लिखना ही पड़ेगा तीन चार ही पॉइंट आए सॉरी okay. लिखा ना पेनलैक झारखंड में बनाया जैसे एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दे आर गेटिंग डेडिकेटेड अंडर वेरियस स्कीम्स टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट्स उसमें है सो मैंशन द रोल ऑफ वुमेन इन विसार्ज इन स्वच्छ भारत मिशन देन द चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन इन प्लेइंग दिस रोल देन रोल ऑफ एस एच जी इन रूरल एरियाज एंड हाउ एस एच जी कैन हेल्प एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस एंड फाइनली एक्साम्पल ऑफ सच एस एच जी सिंपल है कंपोनेंट्स में डिवाइड किया एंड देन प्ले विथ प्रमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस कोई ऊपर क्या लिखना है नीचे क्या लिखना है कुछ फर्क नहीं आने वाला है सब घूम जाएगा एग्जाम में तो, वो तो क्या लगता है सारा कंटेंट की वैसे भी क्लास नहीं है पहली बात तो एंड सेकंड क्या लगता है सारे क्वेश्चन इतने सिंपल आएंगे ऐसा थोड़ी आएगा मतलब तो चलो सर ने पढ़ाया था वही डायरेक्टली आ गए ऐसा थोड़ी है so, ऐसे क्वेश्चन आएंगे देर विल भी अभी तो फिर भी देर आर लेस सो डिफिकल्ट क्वेश्चन नाइनटीन का पेपर उठा के देखो देखा टू तो थाउजेंड तो नाइनटीन का पेपर देखना कुछ भी पूछा है एनी थिंग एंड देट कैन हैपन एनी ईयर तो अटैम्प थोड़ी वेस्ट करेंगे प्रिपेयर तो होना पड़ेगा किसी भी साल वो हो सकता है उन्नीस से हर तीन चार साल में ऐसा हो जाता है एनी ईयर वैन यूपीएससी डिसाइड चलो इस बार खेल लेते हैं सो इट कैन हैपन एनी ईयर सो कंटेंट कहां से आएगा नहीं आएगा इसीलिए तो जेनरिक पॉइंट बता रहा हूं गूगल भी करोगे तो यू विल नॉट फाइंड ऑफ वुमन इन स्वच्छ भारत मिशन कहीं मिलेगा उसमें Mention ही नहीं कुछ डेडिकेटेड जनरल कहानियां करनी है एंड द कॉम्पिटिशन इज एक्चुअली इन दीज क्वेश्चन अगर यही लिखा था किस दिस पर्टिकुलर स्कीम तो लिखी देंगे ना वो तो सबने पढ़ा है सो हाउ टू टैकल दीज क्वेश्चन सिक्स और सेवन क्वेश्चन गेम नेक्स्ट भी ऐसा है क्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कंपोनेंट नहीं लिखा कन्वर्जेंस तभी तो करो सब मर्ज कर दूं जितना परमोटेशन कॉम्बिनेशन मिला हुआ सब मर्ज कर देंगे सॉलिड वेस्ट लोकल कलेक्शन हो गया हाँ बोलो मैं कह रहा हूं एनालाइज में स्ट्रक्चर बना ही नहीं पाएगा तू द मेजर गेम इन केस ऑफ एनालाइज टाइप ऑफ क्वेश्चन इज टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स एंड देन डू परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट्स ही करना पड़ेगा बिकॉज प्रॉब्लम क्वेश्चन में यह है कि क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो जब जो चीज समझ नहीं आती उसकी तो मल्टीपल इंटरप्रिटेशन होगी ना उसमें नथिंग नथिंग इज इज एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट राइट रॉन्ग जो समझ आएगा उसमें चल लेंगे यार सिंपल अरे वो प्रैक्टिकल इशू है मैं तुम्हें बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन दे सकता हूं तुम भी कहोगे बहुत बढ़िया है पढ़ाते हैं सर बट ऐसा होगा नहीं ना एग्जाम में एग्जाम में तो कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आने ही वाले हैं सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट आज अपन फर्स्ट क्लास तो है नहीं फोर्थ फिफ्थ क्लास चल रही है अपने पांच तो क्लास ही कहा था सो वी शुड बी एट दैट लेवल जहां थोड़ा डिफिकल्टी फेस करें नॉट फील गुड वेन यू आर गोइंग टू लीव क्लास, ठीक है पढ़ लेंगे एक महीने में क्या ही है, बहुत है चलो, बोलो। अब इसमें बता दो क्या है वो सेम ही एनाल है और टेल मी द कंपोनेट्स छोड़ो कहाँ चिटिंग करोगे ऊपर से बोलो टेल मी द कंपोनेंट्स ऑफ दिस एक रिवर्स माइग्रेशन हो गया फिर एक रूरल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एक अर्बन लैंडस्केप ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एक पेंडेमिक हो गया वो पैंडेमिक तो बाई डिफॉल्ट ही हो जाएगा रिवर्स माइग्रेशन का रीजन ही वो था और कोई रीजन है ही नहीं उसके लिए अब बताओ क्या क्या कंपोनेंट्स करोगे इसका तो इंट्रोडक्शन तो देखा है अपन ने पहले शायद है ना बोलो मी द कंपोनेंट्स शांति होगी आई लाइक इट इसीलिए कह रहा था बीच में छोड़ देते हैं बट यू गाइज इट वॉज ओनली योर डिसीजन आई वॉन्टेड टू स्टॉप द्लास यू गाइज ओनली नो 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 वी विल पार्टिसिपेट यू कंटिन्यू नो पार्टिसिपेट मुझे तो पता था ना आगे क्या आने वाला है बट आई वॉन्टेड नॉट टू टेक द ओनर्स ऑफ ऑल द डिफिकल्ट क्वेश्चन यू गाइज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम फेस्ड बाय एक तो रूरल लैंडस्केप अलग रखना अर्बन अलग रखना मर्ज करके नहीं लगेंगे बहुत सारे हमें सब पार्ट्स बनाने हैं इसमें is... चाहे तीन तीन पॉइंट चा चार चार पॉइंट दैट इज फाइन बट वी हैव टू मेक मल्टीपल सब पार्ट्स अंडर दिस एक तो रिवर्स माइग्रेशन होता गया इंट्रोडक्शन डाल दिया एंड रीजन फॉर रिवर्स माइग्रेशन इट मीन वी नीड सम फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट रिवर्स माइग्रेशन टूक प्लेस नेक्स्ट हाउ रिवर्स माइग्रेशन हैज चेंज और ट्रांसफॉर्म्ड रूरल लैंडस्केप

कितना <laughs> वो सीरियसली बोल रहा है ज्यादा तुम लोग <laughs> ज्यादा कितने पॉइंट बनाएगा ऑलरेडी आठ पॉइंट बन चुके हैं अपने दैट कैन बी देयर आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है बट हाउ मेनी मैक्सिमम पॉइंट्स विच वी कैन जनरेट सब पार्ट्स में उतने बहुत है मेरे हिसाब से एनीबडी एल्स और किसी को ज्यादा पॉइंट टाइप्स ऑफ माइग्रेशन कितने टाइप होते हैं रिवर्स है नॉर्मल है, है. <laughs> <laughs> ये भी ठीक है इंटर डिस्ट्रिक्ट बता दे इंटर विलेज बता दे इंटर ब्लॉक बता दे ऐसा थोड़ी चलेगा यार <laughs> क्यों बताना है वो थोड़ी पूछा है उससे अच्छा तो यही बता दो कि रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के रीजंस क्या क्या होते हैं माइग्रेशन तो एक ही है रूरल और अर्बन के मल्टीपल होते हैं इंडस्ट्री सेटअप हो गया तो ट्रांसफॉर्म हो गया गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट आ गया तो हो गया मतलब दैट कैन बी वन ऑफ द कंपोनेंट कि अदर देन माइग्रेशन व्हाट ऑल आर द रीजंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन रूरल एंड अर्बन दैट कैन बी देयर इफेक्टिव लॉ एंड ऑर्डर है तो हो गया गवर्नेंस अच्छा है तो हो गया दीज आर द रीजन फॉर रूरल एंड अर्बन लैंडस्केप विनो ज्योग्राफिकल रीजन भी होते हैं कनेक्टिविटी टू केनाल कनेक्टिविटी टू रिवर वो हो गया एक रीज़न। है so, बहुत सारे रीजन हैं फॉर रूरल एंड अर्बन लैंड बाकी देखो हैंड्स में क्या लिखा है समझो जरा ये कंपोनेंट्स हो गए अपने हाउ रिवर्स माइग्रेशन कैन लीड टू ट्रांसफॉर्मेशन एंड हाउ रिवर्स माइग्रेशन कैन लीड टू इकोनॉमिक सोशल रूरल कल्चरलता ही तो यही सारे कंपोनेट्स ही आते हैं अपने पास एंड देन सिंस द क्वेश्चन इज आस्किंग टू क्रिटिकली एनालाइज तो लिख लेंगे माइट नॉट बी एबल टू डू कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ठीक एंड कंक्लूड कर देंगे वहां तो पॉजिटिव नेगेटिव बताने हैं कि रिवर्स माइग्रेशन का पॉजिटिव क्या हुआ रिवर्स माइग्रेशन का नेगेटिव क्या हुआ बट ये भी तो बताना है दैट नो रिवर्स माइग्रेशन इज नॉट एबल टू कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म द रूरल लैंडस्केप वो नेक्स्ट पॉइंट है ना सब मर्जी है बेटा सब मर्जी है बता तो रहा हूं वो ज्यादा ही करना उसने बोल दिया है सब मर्जी है कितने पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हो किस वे में हैंड राइटिंग है कुछ भी है स्टार्ट राइटिंग ओनली देन यू यू विल है कितने पार्ट्स में डिवाइड तक ठीक लग रहा है कितने पार्ट में गड़बड़ लग रहा है बट सिक्स से ऊपर में जाने की कोशिश मत करना ठीक है देन आ गया इवेलुएट सो इन केस ऑफ इवेलुएट मोर केस स्टडीज एटसेट्रा एंड ऑल इज रिक्वायर्ड इफ यू नीड टू इवेलुएट समथिंग ज्यादा से ज्यादा केस स्टडीज एटसेट्रा आपको इस वाले क्वेश्चन में डालना है उसमें सो एनालाइज में क्या करना है स्प्लिट डिस्कस में बैलेंस डिस्कस डिबेट एक्सेक्ट्रा एंड ऑल दिस थिंग्स डिस्कस मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आएगा उसके लिए फिर एग्जामिन आएगा एग्जामिन स्प्लिट शुड बी मोर देन कमेंट एंड डिस्कस और फिर एनालाइज आएगा जिसमें मैक्सिमम चलना है ठीक है इन केस ऑफ डिस्कस अगेन यू शुड गिव मोर एग्जाम्पल्स इन केस ऑफ फर्स्ट कमेंट वाला पार्ट था सो यूर ओपिनियन है फैक्ट डालो कुछ भी डालो यू जस्ट नीड टू जस्टिफाई दिस इज वॉट आई थिंक वो माइंड में सोचना है लिखना नहीं है बट यान इन केस ऑफ इवेल सम यू हैव टू गोर केस स्टडीज ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे आपको इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बाकी सब पॉजिटिव नेगेटिव एडसेक्ट्रा चलना है जैसे माइक्रो फाइनेंस इन एंटी पावर्टी वैक्सीन इज एम एट एसिट क्रिएशन एंड इनकम सिक्योरिटी ऑफ द इवेल्युएट द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन अचीविंग ट्वीन ऑब्जेक्टिव अलॉन्ग विद एमपावरिंग वुमन इन द रूरल इंडिया जैसे ही इवेलुएट आता है मोर एग्जाम्पल्स मोर के स्टडीज देना इन जनरल से ज्यादा देना डिवाइड करोगे बताओ दिपेंड स्पेस स्पेस तो तो स्पेस हाँ मतलब तीन पॉइंट तो मिनिमम चाहिए चाहिए हाँ थ्री तो मिनिमम चाहिए उससे कम में तो माइक्रो डायग्राम ही बना देना बल्कि थ्री में भी माइक्रो डायग्राम बना सकते हैं चार पॉइंट हैं तभी इट मेक्स सेंस टू तो तो सम वो तो हर जगह ही है वो तो स्ट्रक्चर है कि स्ट्रक्चर दिखना कैसा चाहिए एट सेक्ट्रो ये कंटेंट है ऑप्टिमल मिक्स तो करना ही करना पड़ेगा इट वेरीज फ्रॉम आंसर कॉपी टू आंसर कॉपी हैंडराइटिंग टू हैंड राइटिंग कितना करना है उस पर डिपेंड करेगा यार हो गया कंपोनेंट्स बताओगे बोलो एस एच जी पहले तो लिखेंगे ना हाउ माइक्रो फाइनेंस एन एंटी पावर्टी वैक्सीन क्यों है भाई वो पहले तो वो लिखना पड़ेगा ना माइक्रो फाइनेंस का सिग्निफिकेंस बताएंगे सबसे पहले तो चाहे बॉक्स में बताओ आफ्टर इंट्रोडक्शन स्मॉल माइक्रो डायग्राम बताओ कुछ भी करो बट फर्स्ट वी नीड टू राइट वाई माइक्रो फाइनेंस और हाउ माइक्रो फाइनेंस कि बिकॉज इट हैज क्रिएटेड एसेट्स एंड इट हैज प्रोवाइडेड इनकम सिक्योरिटी या तो उसके फैक्ट्स याद हो कर सकते हैं कैन बी देर बट फिर और बड़ा कर रहे हो उसको बट ठीक है। पॉवर्टी रेडिकेशन मल्टीपल वे जस्टिफाई भी करना पड़ेगा नीचे जाके बिकॉज क्वेश्चन में है कि microfinance an vaccine. तो वो लिखना पड़ेगा नीचे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना ही है, के steady, के steady जाने है इसमें क्या ठीक है कुदुम श्री कर सकते हैं माइक्रो फाइनेंस में आई थिंक फिफ्टी परसेंट एस एच जीज दे प्रोवाइड माइक्रो फाइनेंस तो उसका कुछ फैक्ट डाल दो फिर आंध्र प्रदेश एंड बिहार के एस एच जीज अच्छे हैं वहां से कुछ फैक्ट्स मिल जाएंगे अपने को मैं दे दूंगा कि यू पी सी यूपी में आ जाएगा कहीं ना कहीं एंड हाँ बांग्लादेश का केस स्टडी भी अच्छा है वो भी मैंशन कर सकते हैं गुड एंड वो तो केस स्टडी में आ गए मेरे को पहले स्प्लिट सेक्शन बताओ हाँ दोनों में चलेंगे ना एस एच जी एटसेट्रा एन ऑल रूरल पुअर पूछा है और फिर वुमेन एम्पावरमेंट पूछा है सो इन जनरल रूरल एरिया लिख देंगे इन पर्टिकुलर टू वुमेन एम्पावरमेंट लिख देंगे समझ रहे हो बिकॉज रूरल पुअर ऑल्सो आर फोकसिंग अपॉन दैट माइक्रो फाइनेंस इज दिस 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 ऑफ द रूरल पुअर इन इंडिया सो इन जनरल ऑल्सो वी हैव टू मैंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो फाइनेंस इन रूरल एरियाज

जो चार क्लासेज हुई हैं वो रिवाइज करनी है वापस से देखनी है गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ दीज क्लासेस मतलब चेस्ट थम्पिंग नहीं कर रहा हूं बट मार्क्स इंक्रीज करने के लिए या तो अंडरस्टैंड दी आंसर्स इससे अच्छी क्लासेस नहीं मिल सकती हैं थोड़ी हैवी हैं आई टोटली अंडरस्टैंड कि मतलब फ्रेश बच्चे को समझने में थोड़ा मुश्किल होगा बट अगर हमें स्ट्रक्चर इंप्रूव करना है अपना इंट्रोडक्शन पॉइंट बाई पॉइंट लेवल पे अगर इंट्रोडक्शन बॉडीज वे फॉरवर्ड रीड बिटवीन द लाइन्स करना है सो so, ये चार क्लासेस ठीक थी एक बार वापस रिवाइज करेंगे सो दैट नेक्स्ट क्लासेस कैन बी टू वे कम्युनिकेशन अभी मैं वो जाते जाते कम होता चला गया बिकॉज क्वेश्चन का लेवल में बढ़ाता चला गया बिकॉज पहुंचना तो यहाँ पे है ही अपने को आज से सेवेंटी डेज बाद पहुंचो या आज पहुंचो द होल ऑब्जेक्टिव आज टू शो यू द प्लेस जहां के क्वेश्चन कर लोगे तो 430, 440 आ जाएगा अपना उसके लिए सो रिवाइज दो क्लासेज अगेन वॉच द वीडियोज ऑल ऑफ यू हैव एक्सेस ऑनलाइन

सो कीवर्ड का बुकलेट बनवा के सेपरेटली देता हूं उसको यूज करना सौ वाले बच्चों स्पेसिफिक जो बच्चे हैं उसके उसको यूज कैसे करना है मीनिंग क्या है एटसेट्रा एंड ऑल जितना समझ में आता है एंड अवर कंक्लूजन विल बी की वर्ड ओनली वो वहीं से करना है सो फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन के आसपास में कभी क्लास रखेंगे देख लेंगे कब प्रिपेड एंड ऑल विल शेयर इन द टेलीग्राम ग्रुप कब है नेक्स्ट दो क्लासेज मेरी और बची हैं एक में टेम्पलेट बेस्ड कराऊंगा एंड सेकेंड वाले में वे फॉरवर्ड कराएंगे बचा हुआ भी कुछ पार्ट बचा हुआ इसका कवर करना है ठीक है ठीक है चलो